वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडीज। आज हम लोग बनाएंगे कुंद्री फ्राई। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बना रहे थे इसलिए सोचे शेयर करते हैं आप सबसे। तो यहाँ पे मैंने कुंद्री को काट लिया है और ये कढ़ाई गरम करके इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए। कुंद्री एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स है, खाना चाहिए, ज़्यादातर सभी को पसंद नहीं आता है एज सच, बट खाना चाहिए कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्रीन चिल्ली को बीच में से कट करके तेल में डाल दिया है और ये प्याज स्लाइस किया हुआ, एक छोटा साइज का ही प्याज है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुछ भी कारीगरी इसमें नहीं है, बस प्याज और मिर्ची को फ्राई करना है और उसके ऊपर कुंदरी को कट करके डाल देना है और क्या, नमक और टर्मरिक पाउडर के साथ अच्छे से फ्राई कर लीजिए और तैयार हो जाएगा कुंदरी फ्राई। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है तो इसके अंदर हम कुंदरी को कट करके इस तरीके से डाल दिए। अगर आप कभी भी ट्राई नहीं किए हैं तो इस तरीके से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, मे बी आपको पसंद आएगा। तो इसी तरीके से चलाते हुए इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर हम अभी ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, मिला के हम लेड को ढक के थोड़ी थोड़ी देर बाद लेड हटाकर फिर चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। ढकना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये मतलब इसका खुद का जो एक वाटर है वो एकदम ही सूख जाएगा और ये बॉयल होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए कुंदरी फ्राई बिल्कुल बन के तैयार। शॉर्ट एंड सिंपल रेसिपी, शॉर्ट एंड सिंपल रेसिपी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपका कुछ नहीं जाता है बट मेरा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।